अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आज का टॉपिक मेरा फेवरेट है सर। टॉपिक है आजकल के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरी एज के, क्या वो सही पाथ पे हैं और वो जो टॉपिक्स की बात करते हैं क्या उनको उनकी एज के हिसाब से सही हैं? बेटा मेरे ख्याल से आजकल जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आजकल के बच्चे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और छोटी एज के अंदर पहचाने जा रहे हैं। कंटेंट क्या है, उनका फोकस क्या है, वो थोड़ा सा डिस्कस किया जा सकता है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन उनको उनसे पहचान मिल रही है। अगर इस एज के अंदर उनको गाइड किया जाए प्रॉपर तरीके से, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे से अगर कंपैरिजन करें तो। क्योंकि हम जब इस एज में थे 10-15 साल की उम्र के अंदर, तो हमें तो इतनी अक्ल भी नहीं थी कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, कॉलेज क्यों जा रहे हैं, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों को 5वीं-6वीं क्लास के अंदर इतनी सेंस होती है कि उनको पता होता है कि मैंने आगे क्या करना है। हालांकि मैं ज़्यादा प्लान्स नहीं करता चीज़ें, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो बच्चे फोकस करते हैं कि मेरा ये पैशन है, मैंने ये लाइफ के अंदर अचीव करना है। कोई फील्ड की तरफ जा सकता है, कोई मेडिकल फील्ड या कोई स्पोर्ट्स की तरफ, या एथलीट बनना चाहता है, या इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, या डिज़ाइनिंग की तरफ जाना चाहता है। बहुत सारे लोग बच्चे डिज़ाइनिंग की तरफ आ रहे हैं। और जो आजकल जो मेजर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ना, या जो फोकस है, वो लोग सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। सोशल मीडिया मेन गेम बन चुकी है। और जो आप बात कर रहे हो, बच्चे यंगस्टर्स आके इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन उनको बस ये मेरा मैसेज हो सकता है, या आपको मेरा ये मैसेज है कि जब आप कंटेंट बनाएं, तो ये सोच के बनाएं कि उस कंटेंट का साल बाद, 2 साल बाद 5 साल बाद रिएक्शन क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर कंटेंट की 6 महीने बाद साल बाद वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो यूज़लेस है। वक्ती तौर पे आपको पहचान तो मिल जाएगी मस्ती मजाक करने में, लेकिन आपका अगर कंटेंट अभी स्लो चलेगा, उसके अंदर वैल्यू है, सोसाइटी से लिंक कर रहा है, लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐड कर रहा है, तो वो कल आपको मल्टीप्लाई होके सेम चीज़ रिवॉर्ड देगी, पहचान देगी। रिवॉर्ड मॉनेटरी भी हो सकता है, फाइनेंशियल, लेकिन उसके अलावा ब्रांड की शक्ल में भी सामने आ सकता है। तो मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये बता चुका हूँ कि बच्चों को जो आजकल कर रहे हैं करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि लोग कितना रिएक्ट करते हैं, उस पे ध्यान ना दें, बल्कि इस चीज़ पे ध्यान दें कि उनका कंटेंट कितना एनरिच्ड है, वैल्यू एडेड है, लोगों के साथ कनेक्ट कितना होता है जी। ठीक है ना, एक मस्ती मजाक करना, डांस करना, आके प्रैंक करना, हो गया ख़त्म। लेकिन अगर आप कोई मैसेज दे रहे हो जो हर एज के साथ कनेक्ट हो रहा है, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, या आपके नेबर्स के साथ, या किसी के साथ भी जो सोसाइटी के लोग हैं, इंसान हैं, वो वैल्यू एडेड है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ बच्चों को जो कंटेंट लिखते हैं आजकल, लेकिन जो उनका फोकस है उस पर थोड़ा डिस्कस किया जा सकता है। मैं चाहता हूँ, मेरी अप्रिशिएट करूँगा उनको कि वो अपना कंटेंट जब लिखें या रिकॉर्ड करें, तो सोच समझ के थोड़ा सा लिखें कि उससे उनको जो रिपरकशंस होंगी वो हर्ट तो नहीं कर सकती। और बहुत सारे बच्चे जब अचानक पहचान मिलती है, फेम मिलता है, वो कंट्रोल भी नहीं कर पाते, ये भी बड़ी बात है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जितने पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं ना, वो इस पे ध्यान दें, बच्चों को वॉच करें, उन पे नज़र रखें। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को इतना एक्स्ट्रा प्यार दे देते हैं जो कि उनके लिए जहर बन जाता है। प्यार करना, डांटना, किसी चीज़ से रोकना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को बराबर नहीं कंसीडर कर रहे या उनके राइट्स नहीं दे रहे। जब डांटना पड़ता है, डांटना पड़ता है, कभी रोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है। जब आप हर वक्त प्यार देते रहोगे ना, आप बल्कि बच्चों को मेंटली अपाहज कर देते हो। अगर पेरेंट्स वॉचफुल रहेंगे, बच्चों पे नज़र रखेंगे, तो मेरा ख्याल है बच्चे जो आजकल जल्दी फेम हासिल कर रहे हैं ना, उस फेम को प्रॉपर
सक्सेस और सेटिस्फैक्शन में बदल भी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैसेज से कुछ ना कुछ मिला ज़रूर होगा, हमारे सुनने वालों को कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा कि पेरेंट्स का बच्चों पे वॉचफुल रहना वो बड़ा ज़रूरी है जी। एक्स्ट्रा प्यार नहीं बल्कि थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट, कंसर्न शो करना, जहाँ रोकना है वहाँ रोकना है, जहाँ छूट देनी वहाँ छूट देनी है, और बच्चों को मौका देना चाहिए कि उनको लगता है कि अगर मेरे में ये टैलेंट है मैं एक्सपोज करूँगा तो मुझे कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, पहचान मिल सकती है, तो करना चाहिए। बिल्कुल आई अप्रिशिएट। तो आपको भी अपने फोकस की तरफ जाना चाहिए, जो आपकी डायरेक्शन, आपका जो पैशन है, आपको लगता है कि यार मुझे ये करना है, उसको टाइम देना चाहिए, क्योंकि कल को आप रिग्रेट फील ना करो कि अगर मैंने किया होता तो ये होता, अगर ना किया होता तो ये होता, तो वो चीज़ आपके सवाल जवाब की जंग से आप बाहर आ जाओगे। एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए जी। अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, अपनी जेब से कर रहे हो, अपने टाइम से कर रहे हो, तो सब ठीक है, सही है ना जी। तो आपने मुझे बताना है कि आपका फोकस क्या है, आप नेक्स्ट कंटेंट कब लिख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए। वेलकम बेटा।